मैम को डेडिकेट करना चाहती हूँ। यहाँ बोल रहे हैं उन्हें अंदर आवाज आती है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताए उन सबको फॉलो। सो गाइस सब सारा काम खत्म करके मैं नहा के आ चुकी हूँ बिल्कुल ही। बस अब गर्ल्स का वेट कर रही हूँ। मैंने उनको 9 बजे का टाइम दिया था, 10 बजा चुकी हैं, अभी तक कोई नहीं पहुँचा। गाइस आज फर्स्ट टाइम मैं अपने छोटे से स्टूडियो पे दुल्हन तैयार करने वाली हूँ। तो जो दुल्हन है वो अभी पहुँची नहीं है, बट उसका आउटफिट जो है वो पहुँच चुका है। तब तक हम यहाँ पे, मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, इसीलिए आज मैंने अपनी शूट की तैयारी के लिए, ये देखो मैंने इस अलमारी के ऊपर पूरा ये तैयारी करी है, ये तैयारी, ये दिए भी तैयार करे हैं। फिर वो होता ना, एक बार देख लीजिए तो परवाना बना देंगे, कुछ ऐसा वाला पोज बनवाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है। तो इसीलिए मुस्कान अभी यहाँ पे सेटिंग कर रही है, ये देखो। हेलो गाइस। तो यहाँ पर अभी ये सेटिंग कर रहे हैं। बाकी मैं आपको सारी शूट्स, पूरा दिन की एक्टिविटी जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरे वीडियो में बने रहना एंड तक, और आपको कुछ कुछ डिफरेंट अगर मैं कर सकती हूँ इससे भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। तो गाइस ये है ब्राइड का लहंगा। फाइनली अब यहाँ पे सब लोग पहुँच चुके हैं। इनका मूड थोड़ा सा कल अपसेट था, पर आज इनको खुश देख के अच्छा लग रहा है, काम करने का दिल कर रहा है। तो ये देखो मेरी हीरोइन, ये देखना जरा, ये है मॉडल, हमने बॉलीवुड से बुलाई है, ये मॉडल की देखिए। कैमरा फंडस को मैम पहला हसी न्यू कमर है ना इस करके चलो पहला कैमरा फंडस का उठे कैमरे पड़ी है पार दो मेरे मुंह से मैं बनाता जिसे कहते ना बड्डा मुंह मेरा। बोलो साड़ी ब्राइड हंस दी भैया, ब्राइड ना हंसा आज रोना है। तो आज हमारी ब्राइड की विदाई नहीं होगी, जस्ट वो ब्राइड बनेगी। नहीं, तो ये हमारे मैम जो है तैयारी करते हुए ब्राइड को रेडी करने के लिए पहले खुद रेडी हो रहे हैं। चलो एक दो रील तो बना ही लूंगी ना आप लोगों के साथ। सो हेलो गाइस, हमारी ब्राइड जो है रेडी है, मैम ने उनका मेकअप जो है कम्प्लीट कर दिया है। एग्जैक्टली यहाँ बैठो आप ब्राइड जी, अब इधर आ जाओ। फाइनली पैक करो, मैं इनकी शूट शुरू करूं। सारा खिला लहंगा लहंगा डलवा दे, मैं तो एक गल कर लूं। सारा चक्कर मम्मा ने गल कर ला, तो फोन चार्जिंग ला ला, 2% ही रहेगी। मैम कैसा लग रहा है आपको आज ब्राइड मेकअप करके? मुझे तो अच्छा ही लगता रहता है। आज हमने ब्राइडल मेकअप देखा फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में, हमें बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छा लगा देख के। से हेलो सबको, अपना अपना मेकअप करने की जल्दबाजी लगी हुई है क्योंकि हम लोगों ने सभी ने शूट करना है। मुस्कान मैम रील्स बनानी है, मेरे अलावा सब मेकअप कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए उनको। देख लो देख चांद छुपा बादल में। ये हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। हाँ, पिन लगा लो। ठीक है, पिन लगा लो, थोड़ा आगे करना था ना। फोकस आप पे कर रहे हैं पर आपके फेस को ब्लर दिखा रहा है वो। आगे वाली और नजदीक देख रहा लगा पर इतना देखा नहीं लगा। मैम देख रहे हैं यहां पे टेप लगाने की जरूरत है। ऐसे ही बनाते हैं। चलो मैम हील पहन के बैठे हो, हील पहन के? हां ऐसे ही बैठे बैठे। नेक्स्ट पहला शॉट ऐसा लेते हैं। लाइक कैमरा भाग के जाके ना वो मार्क्स ले के आना। कुड़ी गिर गई, गिर गए। मैं ये उठा दूं? नहीं वो चाहिए उनको। अच्छा गिर गए ये BTS में, BTS में डाल देना इसको। हाँ ये शॉट को BTS में डाल देना यार। रुक जाओ, हाँ नीचे उतर रही है, देखिए कितना मुश्किल होता है एक मेकअप आर्टिस्ट का जो जर्नी है, कितना हार्ड होता है आप देख लीजिए। मेरे हस्बैंड को भी दिखाना मत जरा। ये देख लीजिए मिस्टर हस्बैंड खड़े हैं मैम के और वो हंस रहे हैं, और वो हंस रहे हैं। आइए आइए मैम आप ही आइए, बिठाओ इनको आगे बिठाओ ना, शीट थोड़ा सा पीछे कर दो, बैग बाहर कर दो। साड़ा एक बंदा कितने गया? आ रहे मुस्कान पुष्पराज रेड वाला बैग। से हाय ब्राइड। हम सारे रेडी हैं
अब शूट पे जाने के लिए, ब्राइड का आउटडोर शूट है आज। क्या मतलब है मोटे मोटे? आजो आजो छोटे 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 बैठे का फायदा कितना होता है ना, सारे एडजस्ट करेंगे। जा रहे हैं दुल्हन को घर छोड़ने उसके ससुराल, क्योंकि उसका दूल्हा जो है उसको लेने नहीं आया, तो इसलिए हम उसको जा रहे हैं उसके ससुराल छोड़ने। हमें चार बाराती जो उसको छोड़ने जा रहे हैं उसके ससुराल में। दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। मैम आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? दूल्हा भाग गई, मैं भाग गया। खोलो अभी, बात तो खोल लो। सो गाइस अभी हमारी रिफ्रेशमेंट पार्टी चल रही है, क्योंकि हम दुल्हन को विदा करने जा रहे हैं, तो हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा चलो चलो मैडम थोड़ा खा पी लेते हैं बाकी ब्रेक के बाद। तो मुझे लगता है वहीं से घूमते अंदर। सो गाइस ये हमारी डाइटिंग हो रही है, मैम भी हमारे डाइटिंग पे थे, और देखिए कुरकुरे और दो ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी के बैठे हैं। ये डाइट वाले बंदे होते हैं, ऐसे देखो क्रैश डाइट वाले होते हैं। मैं भी बहुत डाइटिंग करती हूँ, फिर भी मैं मतलब पी लेनी है कभी कभी। मैं डाइटिंग बहुत करती हूँ वैसे। तुसी तुहाडी क्या विचार है? मेरे तो जी गल ही ना करो, बिना खाना जहाँ खाना देखे वहीं बैठ जाते हम, कोई मौका नहीं छोड़ते। शिवा छेत्री तुसी तो बहुत डाइट कॉन्शियस लगते हो, तुसी अपने कुछ राय दो। मतलब सानू मोटापा जिहड़ा हैगा बोलण नाल, ओह बोलण नाल ते हसण नाल है। आज नीना का लास्ट डे है, कल संडे है, वो कल संडे सबका ऑफ है। मंडे से नीना ने नहीं आना, बहुत घूम के आने इधर मंडे से। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मंडे से नीना ने नहीं आना क्योंकि आज नीना का लास्ट डे है। तो आज हम नीना से पूछते हैं उनको हमसे मिलके कैसा लगा और वो मेरे बारे में क्या रिव्यू देते हैं। नीना से, नीना की तरफ कैमरा करो। पहले मैं अर्ज करना चाहती हूँ एक गाना मैम को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के मेकअप हुए पूरे दिल ए मेरी जाने ओ माय गॉड, तेरी मेरी मेरी एक जान है, साथ तेरे सोचते रहेंगे सजा, पता नहीं क्यों मन में है इच्छा। ठीक है, ये गाना डेडिकेट हो गया, डेडिकेट हो गया। देख रहे थे, बाकी आगे रिव्यू सुन लीजिए। ये तो सिर्फ गाना था, अभी आगे पिक्चर बाकी है। पिक्चर ये है कि जब मैं मैम से मिली और मैंने फ़ोन पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैम मैम की क्लास में आई तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जैसे हमारा जैसे घर पे माहौल होता है, उनके भी घर पे सेम वैसा माहौल था। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, पॉजिटिव वाइब्स आई, और उन्होंने सिखाया भी बहुत अच्छे तरीके से, हाथ पकड़ पकड़ के मुझे सिखाया। वो तो मेरा दिमाग है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। जितने भी उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उन सबको फॉलो करूं और लाइफ में आगे ग्रो करूं, इसलिए उन्होंने और भी बहुत कुछ मुझे बताया है और सिखाया है, और रिगार्डिंग इंस्टाग्राम और कैसे उसमें ग्रो करते हैं, और यूट्यूब में कैसे ग्रो करते हैं। इंटरेस्ट मुझे सभी में है,
मेकअप भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। नहीं नहीं गाइस, ये मेकअप बहुत अच्छा करते हैं आप। और ये मेरा ब्लॉग, अब मैंने काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाया है तो थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन मैं इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहूँगी और नीना को तब भी मैं अपने पास फिर से लेकर आऊँगी। हाँ थैंक यू everyone. No negative vibes, only positive vibes. मैम बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है। हमें ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ अपने फैमिली को भी पूरा बैलेंस करते हैं, कैसे उनको चलाना है सब कुछ मैनेज करते हैं चीजों को, और वो देख के हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन आई है भी हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं उनकी तरह। उनमें बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फेक हो, बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ जी, जो है ओरिजिनल है। हाँ। और आपके सामने है, कोई ऐसी बात उन्होंने हमसे हाइड नहीं की, वो जेन्युइन है, एक जेम है वो हमारी नजर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर हर लाइफ एंड हर सक्सेस एंड आई विश कि वो अपनी लाइफ में बहुत वो कुछ अचीव करे जो वो करना चाहते हैं। थैंक यू गड्डी से सारी रिव्यू दे देता। और सबसे बड़ी बात तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाना वो अल्टीमेट था, वो बहुत ही अल्टीमेट है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे इन्होंने गाने को डेडिकेट किया मेरे लिए, माय गॉड, मैं तो हैरान हूँ। इतनी देर में तो मैं कुछ भी ना सोच सकती। मुझे हर सिचुएशन पे गाना आता है, हर सिचुएशन पे अंदर से निकलता मेरे गाना। आओ जल्दी। सो हमारा शूट जो है आज हम यहाँ पे जमने वाले हैं, तैयार है। हमारी ब्राइड भी ये ठीक है, यस यस, बेस्ट डेस्टिनेशन है शूट के लिए। ये लहंगे को सर जरा संभाल के, कोई देखेगा ना वहां से छतर ना। वाओ आई लव वाटर। मैम उधर ना जाओ, लेट जाओ, पानी आ जाओ, अच्छे आ जाओ। ठीक है, दोबारा क्यों पानी अपने वाल नु खींचदा सब जा चुके हैं और मैं भी घर आ चुकी हूँ। फाइनली खिलारा थोड़ा बहुत संभाल चुकी हूँ। कल मेकअप है इसलिए ज़्यादा संभाल ले रही, क्योंकि कार में रखवाना पड़ेगा सारा सामान। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।